इंदौर बनने जा रहा है साक्षी भव्य चतुर्मास का। युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहेब का भव्य चतुर्मास। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जगाने आया है। धर्म बोलने का विषय नहीं होता, चर्चा का विषय भी नहीं होता। धर्म वो धर्म है, धर्म की परिभाषा है धारयतीति धर्मा, जो धारण किया जाता है, जो जिया जाता है, जिसका अनुभव, जिसका स्वाद आपके जीवन में आता है, वो धर्म है। बाकी तो शास्त्र हैं, पुस्तकें हैं, चर्चाएं हैं, ग्रंथ हैं, सब कुछ है, परंतु वो मेरे और आपका जीवन अनुभव ना बने तो वो धर्म नहीं। धर्म की परिभाषा धारयतीति धर्मा, तुमने उसको धारण किया कि नहीं। लोगों को उपदेश दे दो, उनके जीवन को बदल दो, किताबें लिख दो, ये सब अच्छा है प्रचार प्रसार के लिए, परंतु जब तक तुमने उसका स्वाद नहीं चखा धर्म क्या है। और हम चाहते हैं जो हम प्रवचनों के माध्यम से प्रभु महावीर की वाणी आप सुनते हैं, सुनना काफ़ी नहीं होता, उसका स्वाद चखो, उसको अनुभव में ला। यदि आपके जीवन में अनुभव में आता है तो सारी समस्याएं, चाहे परिवार की हैं, समाज की हैं, राष्ट्र की हैं, तुम्हारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, सबका समाधान हो सकता है। क्या समाधान होगा? प्रभु महावीर ने धर्म की परिभाषा दी, धर्म धर्म बाहर नहीं है, धर्म तुम्हारे भीतर है। ऐसे भोजन तुम करते हो, बहुत स्वादिष्ट भोजन किया, परंतु वो भोजन ग्रहण करने के बाद वो भोजन पचा ही नहीं, वोमिट हो गया, उल्टी हो गई, सब निकल गया, वो भोजन किस काम का? और तुमने रूखा सूखा ही भोजन खाया, सादा भोजन किया, वो पच गया, उसका खून मज्जा रस वीर्य बन गया। तो भोजन ग्रहण करना नहीं, भोजन का महत्व पच जाए, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे अंग अंग में खून बन जाए, पच जाए, तभी वो भोजन सात्विक भोजन है, वो भोजन आपने ग्रहण किया। अच्छा, बहुत सुना, वर्षों से सुनते आ रहे हो, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, सच्चिदानंद है, आत्मा ऐसी है वैसी है, बस आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो धर्म हो गया? बोलो, हम चाहते हैं उस धर्म का अनुभव करो। और महावीर की सारी देशना का एक सार सूत्र है कि तुम अपने को जान लो, सब छोड़ दो। और अपने को मतलब किसको जानो? शिव मुनि को जानो? नहीं, अब भगवान ने दो हिस्से कर दिए, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग, दोनों एक हो ही नहीं सकते, किसी जीवन में भी एक नहीं हो सकते, चाहे देव योनि है, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु योनि है, चाहे कोई भी जीवन में, वो आत्मा देह धारण करती है और हम उस देह को अपना मान लेते हैं, ये सबसे बड़ा अज्ञान मूर्खता। देव बने थे कि मैं देव हूँ, मेरे पास बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, मनुष्य बन के मैं राजा महाराजा हूँ, मेरे पास कितनी संपत्ति है, ये धन, ये पद, ये यश, ये प्रतिष्ठा। पशु बन गए तो पशु बनकर के सारा जीवन भोजन की तराश में लगे रहे, नरक के नेरिए बने तो भभीत हुए पूरा जीवन, परंतु वो धर्म नहीं हुआ। चाहे देव बनो, चाहे मनुष्य बनो, चाहे पशु बनो, चाहे नरक का नेरिया बनो, अपने आप को जानो कि ये तो एक गति या योनि है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। राजा श्रेणी का जीव नरक में रहता हुआ भी, भेद ज्ञान करता हुआ भी, कर्मों की नजरा करता है और आने पर वो तीर्थंकर बनेगा,
ये है धर्म का बल, सत्य का बल, धर्म है तुम जियो। तो 24 घंटे हमें प्रकृति कहो परमात्मा कहो तुम्हें अपने जीवन को मिला है, तो क्या चिंतन करते हो 24 घंटे में? आसपास देखते हो क्या वातावरण, मनुष्य जन्म लेता है, किसी के घर बच्चे का जन्म होता है खुश होता है, किसी के घर कोई चला जाता है दुखी हो जाता है, धन आ जाता है धन चला जाता है, ये सब चल रहा है, पर तुम्हारे जीवन में क्या हुआ उससे? ये सोचो विचार करो चिंतन करो। तो महावीर का धर्म क्या है? महावीर का धर्म मूल है कि दर्शन मूल धम्मो, दर्शन का धर्म का मूल है दर्शन, और दर्शन है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि का मतलब स्वयं की दृष्टि, कि तुम सारे संसार को, परमात्मा को, परिवार को, समाज को किस ढंग से देखते हो। धर्मात्मा की शुरुआत यही है कि तुमने अमीर गरीब को देखा, छोटे बड़े को देखा, स्त्री पुरुष को देखा। हाँ वो सब रहेंगे, अमीर गरीब भी इस संसार में सब रहेंगे, अमीर गरीब रहेगा, संत भी रहेंगे, चोर भी रहेंगे, लोग मांसाहार भी करेंगे, लोग मांसाहार का त्याग भी करेंगे, लोग संत भी बनेंगे, लोग मोक्ष भी सब संसार चलता रहेगा, अनादि काल तक चलता रहेगा, अनंत तीर्थंकरों तक चलता रहेगा, पर तुम क्या देखते हो? सबके भीतर भगवान महावीर की एक आत्मदृष्टि, तुम एक आत्मदृष्टि ले लो कि जहाज हिलने लगा सब घबरा गए, मैं सोचता हूँ मैं तो आत्मा हूँ, बस खत्म मामला। आत्मा शब्द नहीं है अपने, बार बार आत्मा तुम्हारा अस्तित्व है, सब कुछ आत्मा है। कभी सोचना आप जंगल में गए अकेले रह गए, कोई मित्र नहीं, साथी नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, धन नहीं, अकेले जंगल में भूख लगी है प्यास लगी है, कौन तुम्हारे साथ में है? कौन साथ में, किसकी याद आएगी उसमें, किसकी याद आएगी? चिंतन तो करो, विचार तो करो, कल्पना करो कि तुम जंगल में अकेले रह गए, बहुत भूख लगी है प्यास लगी है, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं, तुम्हें कौन याद आएगा, किसकी याद आएगी? उस समय चिंतन करना कोई बात नहीं, भूख लगी है प्यास लगी है शरीर को लगी है, मुझको नहीं लगी। और महावीर को याद करना, गसुकमाल को याद करना, चंदनमाला को याद करना, अर्जुनमाली को याद करना, कि वो भी तो उन्होंने जीवन यापन किया, अच्छा है। ये मेरी परीक्षा का समय है कि कुछ भी मेरे पास नहीं, पर मैं तो हूं, मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण अष्ट गुणों से युक्त, मैं आत्मा का एक खरोच भी नहीं आ सकता मुझको। जितना तुम आत्मबल बढ़ाओगे, ये आत्मबल, धन बल, पद बल, रिश्ता बल सब बन जाए, पर आत्मबल नहीं बढ़ा तो सब छिके हुए। और एक आत्मबल बन गया, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने किसको बढ़ाया? महावीर राजकुमार थे, सब कुछ था, सब छोड़ दिया, जो पर था सब छोड़ दिया, एक आत्मबल को लेके चले अकेले निर्ग्रंथ, वस्त्र भी उतार दिया, कोई पास में रखा ही नहीं। इंद्र ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा प्रभु, कष्ट आ सकते हैं, भगवान ने कहा तुम मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है इंद्र, मैंने जो कर्म बांधे हैं मुझे भुगतान देना पड़ेगा। तो बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, कभी धन आए कभी चला जाए, कभी मित्र रहें ना रहें, अपमान मिले सम्मान मिले, सबको होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब तुम्हारा पुण्य और पाप का खेल है। पुण्य और पाप धर्म नहीं है, धर्म क्रिया भी नहीं है, ये क्रिया पुण्य और पाप से रिलेटेड है। धर्म तो अपने में जीना, अपने में रहना, अपने में ठहर जाना, ठहर जाओ अपने भीतर, आप अपने आत्मबल को बढ़ाओ, और आत्मबल तुम्हारे पास आ गया तो परिवार के बच्चों को ये धन दो, सबसे बड़ा है आत्मधन, सारे धन फीके हैं एक आत्मधन। और महावीर की देशना यही कहती है
आत्मधन का लाभ, दूसरी ओर तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो किसका चुनाव करोगे? इंदौर वालों बोलो, सच्ची सच्ची बोलना। एक तरफ आत्मलाभ, मतलब आत्मलाभ का मतलब आत्म दृष्टि पक्की समकत, चाहे गर्दन कट जाए पर मैं आत्मा हूँ ये छूटे ना। कामदेव श्रावक की अर्जुन माली पत्थर पड़ रहे हैं, वो अर्जुन माली जो हत्यारा, उसके पास महावीर ने आत्म दृष्टि दी, सब सहन कर गया। भगवान महावीर की वाणी कहती एक और समकत का लाभ आत्म दृष्टि, आत्म दर्शन का लाभ, दूसरी और तीनों लोकों का लाभ। तो आप कौन से क्या लोगे भाई बोलो तो? आवाज नहीं आई, आवाज बता रही है कि अभी तुम निश्चय नहीं कर पाए क्या लेना है कि नहीं। बहुत लोग चाहेंगे पहले तीनों लोगों का राज्य ले लेते हैं, बाद में आत्म लाभ ले लेंगे। प्रभु महावीर की वाणी कहती है कि एक और सम्यक दर्शन, आत्म दृष्टि, आत्मचिंतन, आत्मरमन, आत्मा का आत्मा में स्थित हो जाना, इससे ऊंचा कोई ध्यान नहीं, इससे ऊंचा कोई पद नहीं, इससे ऊंची कोई साधना नहीं। तुम कुछ ना करो, अपने को अपने से जोड़ दो। 48 मिनट पक्के जुड़ गए तो केवल ज्ञान हो जाएगा, पर पंचम काल में इतनी संघाइन नहीं, समता नहीं, ये साधना आपको यहाँ तक पहुँचा देती है। भगवान महावीर की वाणी सूत्रों में आई है भगवती आराधना में, एक और समकत का लाभ और दूसरी और तीनों लोकों का लाभ हो तो त्रिलोकिया के लाभ को छोड़ देना और सम्यक दर्शन आत्म दृष्टि का लाभ ले लेना, भगवान की वाणी। और भगवान महावीर ने क्या लिया? आत्म दृष्टि, सब छोड़ दिया और आत्म दृष्टि लेकर के आत्म ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त किया। और तुम भी पुरुषार्थ करते 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 प्रेरणा देते देते कर लेते हो। धर्म का मूल आत्मश्रद्धा है, ये मूल है धर्म का। विनय धर्म मूल हो, श्रद्धा आई तो विनय अपने आप आएगी, श्रद्धा और विनय दोनों साथ साथ चलेगी, अकेली श्रद्धा नहीं। और मोक्ष का द्वार है आत्मदर्शन। मोक्ष जाना चाहते हो तो टिकट पहले लेनी पड़ेगी। तुम कितनी क्रिया कांड कर लो, कितना तप कर लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, कितने मंदिर मस्जिद बना लो, मोक्ष नहीं जा सकते। पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग चले जाओगे नो डाउट, और स्वर्ग मैं और आप बहुत बार जाके आए फिर वापस लौटे, बस एक स्थान पर नहीं गए। 21वें देवलोक के ऊपर जो नूतन विमान है या सिद्धालय में नहीं गए, बाकी सब जगह जाके आए। अब आप तैयारी करो कि सिद्धालय जाने की, तो तैयारी का आधार क्या है? जो ग्रीन वीज़ा जिसे कहते हैं वो है आत्मदर्शन, मोक्ष का प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी है। जो आत्म दृष्टि को नहीं जानता, आत्म स्वरूप को नहीं जानता, वो अजीव को भी नहीं जानता। अब दोनों का भेद है, जीव और अजीव का भेद, फिर वो साधना कैसे करेगा? तो दोनों को जानना, शरीर और आत्मा दोनों को जानो। जानने का मतलब अनुभव करो, उसमें जियो, और शरीर को उपयोग करो। एक शरीर को पकड़ना एक साधन मात्र है, बहुत बड़ा साधन मात्र है, ये बहुत काम आने वाला शरीर है। इसको यूं ही श्वासें, प्रभु की वाणी कहती है कि एक श्वास अनमोल हीरे से बढ़कर है। यदि वो श्वास आत्मरमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म स्थित हो जाते हो तुम, वो श्वास तुम्हारी कर्मों की निर्जरा तुरंत गति से कर देती है, जितना आत्म इससे होती है। एक एक श्वास में कर्म ना कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं कि तुम आंखें बंद करके समय करके बैठो, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते दृष्टि बदल जानी चाहिए। खुली आंखों से सब में आत्म दृष्टि, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सब में आत्मा और भीतर परमात्मा। आंखें बंद करके आत्मा परमात्मा का ध्यान लगाओ, खुली आंखें हैं, सब में आत्म दृष्टि। ये महावीर की साधना का मूल सूत्र है, इस मूल सूत्र को समझो और जानो। मैं आत्मा
ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो, केवल आत्मा। मैं आत्मा, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा, तीनों लोकों में तीनों कालों में मैं अकेला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अष्टगुण से संपन्न परिपूर्ण आत्मा, बस आत्मा पर श्रद्धा, विश्वास, अटल विश्वास कि मैं हूँ, मेरा होना काफ़ी है। ये नादिकाल से देह लगा है, भूख देह को लगती है, प्रतिष्ठा देह को चाहिए, मुझको नहीं चाहिए। ये चिंतन आपको सत्य की ओर ले जाएगा, सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाएगा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए, चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में,